आज हम बात करेंगे सभी ब्रिक के बारे में कि कौन सी ब्रिक किस कंस्ट्रक्शन के टाइप में यूज की जाती है। यदि आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, या नॉन लोड बियरिंग बिल्डिंग वॉल्स बना रहे हैं, कौन सी ब्रिक, किस स्ट्रेंथ की ब्रिक, किस क्लास डेजिग्नेशन की ब्रिक किस जगह यूज होगी, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए CPWD स्पेसिफिकेशन से 6.2 टेबल लेकर आया हूं, जिसमें एक ब्रिक के क्लास डेजिग्नेशन की बात की गई है, जैसे कि क्लास डेजिग्नेशन 12.5, 10, 7.5 और 3.5। क्लास डेजिग्नेशन का मतलब है ऐसी ब्रिक जिसका क्लास डेजिग्नेशन मतलब कि 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेकर 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक के बीच में यदि स्ट्रेंथ लाया करेगी तो उसको क्लास डेजिग्नेशन 12.5 बोला जाता है, 12.5 बोला जाता है, यानी कि 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम ना हो और 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा ना हो। तो क्लास डेजिग्नेशन 12.5, देखिए ये ब्रिक जो यूज होंगी ये ऐसी जगह में यूज होंगी जहां पे हमें हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, सुटेबल होती है हाई लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में, जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो यहां पे आपको क्लास डेजिग्नेशन 12.5 ब्रिक यूज करनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ होती है 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम ना हो और 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक हो, इन ब्रिक को बोला जाता है क्लास डेजिग्नेशन 12.5। तो ऐसी जगह में आप इस ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है क्लास डेजिग्नेशन 10, मतलब कि ऐसी ब्रिक जिसका स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेके 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक होगा यदि, तो ऐसी ब्रिक को हम यूज करते हैं हमेशा कहां पर, लोड बियरिंग वॉल में इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और आपके लो कमर्शियल बिल्डिंग्स में। जैसे कि आप ये लोड बियरिंग वॉल्स देख रहे हैं, तो लोड बियरिंग वॉल्स इज व्हाट, जहां पे कॉलम बीम्स यहां पर अवेलेबल नहीं है, ब्रिक पर ही सारा लोड आने वाला है, ऐसी ब्रिक ऐसी जगह में हमें यूज करना चाहिए, ऐसी ब्रिक जिसकी स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेके 12.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक होनी चाहिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रिक की स्ट्रेंथ चेक की जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए ब्रिक टेस्ट, मैं जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर जाइएगा इसको। फिर आता है ऐसी ब्रिक जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्लास डेजिग्नेशन 7.5, मतलब कि ऐसी ब्रिक जिसमें स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेकर 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक होगा, तो इस ब्रिक को बोला जाता है क्लास डेजिग्नेशन 7.5। यानी कि ये ब्रिक यूज की जाती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, पार्टीशन वॉल्स में, या अदर स्ट्रक्चर वेयर लोड इज मॉडरेट, जहां पे लोड मॉडरेट है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या आप फॉर एग्जांपल 4 या 6 फ्लोर का बिल्डिंग बना रहे हैं, तो यहां पर जो लोड ट्रांसफर किया जा रहा है वो आपके कॉलम बीम स्लैब से आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है, कि स्लैब का लोड बीम पर, बीम का लोड कॉलम पर, और कॉलम लोड ट्रांसफर कर दे रहा है किसके पास, फाउंडेशन के पास में। अब यहां पर जो ब्रिक का मेन काम हो जाता है वो काम हो जाता है पार्टीशन का। तो पार्टीशन वॉल्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम जनरली प्रोवाइड कर सकते हैं क्लास डेजिग्नेशन 7.5 का ब्रिक। इंजीनियर्स अब आप भी सीख सकते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री का पूरा काम, और वो भी 2 महीने के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, और पे करना है 65% फीस आपके जॉब लगने के बाद। कॉल करिए अभी 9111001234, क्योंकि सीट एकदम लिमिटेड है और 1 अक्टूबर बैच स्टार्ट होने में बचे हैं कुछ ही दिन, तो बुक योर सीट नाउ। इसके बाद आता है क्लास डेजिग्नेशन 5 ब्रिक। देखिए ऐसी ब्रिक जो भी यूज करते हैं तो ऐसी जगह पर यूज करते हैं जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं, जैसे कि गार्डन की वॉल, बाउंड्री वॉल आप बनाते हैं, तो बाउंड्री वॉल में आप क्लास डेजिग्नेशन 5 का ब्रिक यूज कर सकते हैं। इसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेकर 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक की स्ट्रेंथ मिलती है आपको, तो ऐसी जगह पर आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी लाइन बनाने में, बाउंड्री वॉल लगाने में क्लास डेजिग्नेशन 5। तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग मुझे जरूर बताइए कि क्लास डेजिग्नेशन के बारे में क्या आपको इससे पहले पता था, यस और नो में आप मुझे आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं एक लास्ट ब्रिक के बारे में, कि एक ऐसी भी ब्रिक है क्लास डेजिग्नेशन 3.5 जिसकी स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लेके 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक के बीच में यदि रहेगी, तो ऐसी ब्रिक को हम यूज करते हैं टेंपरेरी स्ट्रक्चर में। देखिए जब हम साइट पर काम करते हैं तो लेवर हटमैन बनाते हैं, लेवर को रुकने वाली जगह बनाते हैं, तो ये प्रॉपर ये फ्यूचर में तोड़ा जाएगा, टेंपरेरी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए यहां पर आप क्लास डेजिग्नेशन 3.5 का ब्रिक यूज कर सकते हैं। या फिर मटेरियल स्टोरेज बनाते हैं तो मटेरियल स्टोरेज में भी हम क्लास डेजिग्नेशन 3.5 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिक है ये टेंपरेरी शेड वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है। यहां पर स्ट्रेंथ से हमें किसी भी तरह का आउटकम चाहिए ही नहीं, तो यहां पर यूज किया जाएगी क्लास डेजिग्नेशन 3.5 का ब्रिक। मैं आपसे जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा क्लास डेजिग्नेशन का ब्रिक यूज किया जाएगा
कमर्शियल बिल्डिंग्स में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो वीडियो को शेयर जरूर करो। और देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हमने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपको डायरेक्ट साइट पर जाकर सिखाएंगे हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो इसके लिए कॉल करना है 9111001234, क्योंकि 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो बुक योर सीट नाउ। नंबर एक ही है आपकी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, 9111001234। मेरी काउंसलिंग टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी हर एक पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।